सारे भारतवासियों और नेपाल वासियों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, इसका नाम है मैच कर रिएक्शन। अगर आप मैच कर रिएक्शन बने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और जैसे कि थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे, जी हाँ, आज में एक विराज भट्ट की मूवी आई थी नेपाली जिसका नाम है दोस्ती। उसका एक फाइट सीन है जो गैरेज के अंदर फाइट होता है, तो उसका रिएक्शन करने वाला, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे काफी सारे डीएम्स आए थे, लिंक भेजे गए थे कि आप इसका फाइट सीन का रिएक्शन करो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके मनपसंद वीडियो पर रिएक्शन करूँ तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे लिंक भेज के मुझे बता सकते हैं मुझे कौन सी वीडियो का रिएक्शन करना है। मेरे इंस्टा आईडी का नाम है IMRNSA09। तो चलो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं दोस्ती मूवी विराज भट्ट फाइट सीन। 1 2 3 एंड स्टार्ट। अच्छे विलन है, कार मैकेनिक होता है ये शायद। ओए रुक गए, सब सनी देओल बन गया। अच्छा प्रिंट थोड़ा सा साफ नहीं है, इसके लिए माफी चाहूंगा, प्रिंट ऐसा ही था। अच्छा विराज भट्ट की एंट्री है शायद, वो बाहर से आ रहे। देव देव चिल्ला रहा, जब तक देव पहुंच गया थोड़ा मार देगा यार वो। पहले की फिल्मों में ऐसे होता था, वो ज्यादा मार दिया उसने तो। ओ तो खंजर निकाल लिया इसने। ये क्या बात है, ये लंबे बाल ही पालते थे पहले सब हीरो। यस ओ बच गया, ये हाफ टच क्या बात है। ओए होए बटरफ्लाई, ओए होए पीछे घूम के बैग मारा यार। ओए राउंड किक, खून निकाल दिया। गया राउंड के बहुत परफेक्ट मारते हैं विराज भट्ट ना, बहुत ज्यादा परफेक्ट। गया बाल भी झटका दिया साला देव को, गैरेज में दादागिरी खत्म। इसी के साथ ये वीडियो हुई समाप्त। फाइट सीन तो देखो विराज भट्ट का है तो अच्छा ही होगा, इसमें मैं क्या ही रिएक्ट करूं, है ना। लेकिन दो जगह राउंड किक मारा विराज भट्ट ने घूम के, जो कि मुंह से खून फेंक दिया। और हमेशा डायरेक्शन में यही होता था, अभी मैंने सांगलो फिल्म का भी किया, उसमें राउंड किक मारता था विलन यूं घूमता कैमरे की तरफ और उसे खून टपकता और ऐसे तो गिरता है वो, तो विराज भट्ट का सिग्नेचर है वो, हर फिल्म में होता ही है। ये जो फिल्म है दोस्ती, यार मैंने देखी नहीं है दोस्ती है इसका फिल्म का नाम, तो इसका पक्का एक और हीरो होना चाहिए, उस हीरो का मेरे को नाम नहीं पता। अंतर निखिल ओपरे तो विराज भट्ट ही आते थे या फिर आयसमाल आते थे इनके साथ या दिलीप राय मांझी, लेकिन इन तीनों में से कोई भी नहीं है। मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि दोस्ती फिल्म में कौन है इनके साथ हीरो, क्योंकि जितनी बॉलीवुड में दोस्ती फिल्म बनी है उसमें सब के सब एक हीरो जरूर होता है, तो इसमें भी कोई ना कोई तो जरूर होगा, तो उसका नाम मुझे पता नहीं है। बाकी मुझे फाइट सीन बहुत अच्छा लगा, प्रिंट थोड़ा क्लियर नहीं था तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि पुरानी फिल्मों में ऐसे ही होता था नेपाली फिल्मों में, लेकिन अब तो लेवल बढ़ चुका है नेपाली फिल्म का, आप लोग देखते ही होंगे ट्रेलर वगैरह मूवीज वगैरह, है ना, तो लेवल बहुत हाई हो चुका है नेपाल का। लेकिन हमें पुरानी फिल्मों को भी नहीं भूलना है, क्योंकि पुरानी फिल्मों से ही नेपाल का सिनेमा का इतिहास है, तो हमें उनको भी नहीं भूलना, पुरानी मूवी भी देखनी चाहिए हमें, अगर पुराने नहीं होते तो नए कैसे होते, तो ये बात समझने वाली है। तो ऐसी नेपाली फिल्म को सपोर्ट करती रही है, मैं तो हमेशा करता हूँ भाई। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया इस फाइट को, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने कितना एंजॉय किया। तो चलो आपसे विदा लेने का वक्त आ गया, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का, भाई बहन का, दोस्तों का, पड़ोसी का और मेरा भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, और इस वीडियो पे लाइक कमेंट इसको शेयर जरूर कर दें यार। तो चलो मिलते हैं ऐसे अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय नेपाल जय भारत।